नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटी टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा। ओपन पोर्स, इन लार्ज पोर्स, ये टर्मिनोलॉजीज तो आपने सुनी ही होंगी, क्योंकि हम सब अपनी स्किन केयर के लिए कभी डीप क्लेंजिंग, कभी एक्सफोलिएशन, कभी स्क्रबिंग और कभी स्ट्रीमिंग का प्रोसीजर करते ही रहते हैं, जिनके रिजल्ट में हमें क्लीन एंड क्लियर स्किन तो मिलती है, लेकिन साथ ही साथ पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, जिन्हें दोबारा से श्रिंक करने के लिए कभी हम आइसिंग कर रहे होते हैं, कभी डिफरेंट जेल्स यूज़ कर रहे होते हैं और कभी पोर्स टाइटनिंग लोशंस का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि इन प्रोसीजर्स के अलावा अगर हमारा बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है या स्किन को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाता है तो भी ओपन पोर्स स्किन पर प्रोमिनेंट हो जाते हैं और स्किन बिल्कुल ऑरेंज पील की तरह हो जाती है, जो दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। और अगर आप उस पर कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करें, यानी किसी भी किस्म का क्रीम, लोशन, फाउंडेशन, स्टिक वगैरह, तो कुछ ही देर के बाद ओपन पोर्स की वजह से चेहरे पर लाइन आना शुरू हो जाती है। यानी अगर चेहरे पर फाउंडेशन या स्टिक इस्तेमाल की गई है तो कुछ ही देर के बाद उसमें क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और स्किन पर लाइन्स नज़र आने लगती हैं। आज जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसका इस्तेमाल मुसलसल अपनी स्किन केयर में शामिल लगते हैं तो कुछ ही दिनों के बाद आप परमानेंटली इन लार्ज पोर्स या ओपन पोर्स के इशू से अपनी स्किन को छुटकारा दिला सकते हैं। और इस सिंपल सी रेमेडी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सब नेचुरल हैं और इजीली घर पर भी अवेलेबल होते हैं। इन इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं खीरे का रस 2 टेबलस्पून, एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून, ग्रीन टी 5 to 6 टेबलस्पून, लीमू का रस 2 से 3 कतरे। आप इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करें और इसके बाद किसी भी आइस क्यूब्स ट्रे में डालकर फ्रीज कर लें। इस तरह इसे इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी। और इसको बनाने के बाद इस्तेमाल का तरीका भी बहुत ही आसान है। आप दिन में 2 बार एटलीस्ट ज़रूर क्लिनजिंग करें और उसके बाद इन आइस क्यूब्स को अपनी स्किन पर हल्के हल्के हाथों से रब करें। आपने एटलीस्ट वंस अ डे ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करनी है और 1 से 2 हफ्ते के बाद आप अपनी स्किन पर बहुत क्लियर डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे। इस रेमेडी में चूंकि हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स नेचुरल इस्तेमाल किए हैं, इसलिए हर तरह की स्किन टाइप के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस्तेमाल से पहले इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। ये तो थी आज की रेमेडी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।